सो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम उपेंद्र सिंह बिष्ट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, फिट होंगे एंड यस स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है, आज हम लाउडली बोल सकते हैं। सो देखिए, आज का हमारा चैप्टर रहेगा रियल नंबर्स। सो देखिए, एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर रेशनल नंबर्स, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स एंड इसमें हमारे पास एक टॉपिक और होता है जो होता है हमारे पास डेसिमल्स। यस, सो डेसिमल्स के भी हम कुछ ब्रीफली हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको क्या होता है, लाइक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यस, इसके अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। सो देखिए, ये चीज हम पढ़ेंगे तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आप लोग मुझे बताइए व्हाट आर रियल नंबर्स। सो देखिए, रियल नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा है कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, लाइक 1, 2, 3, -1, 0, -2, -3, -4, एवरीथिंग, एवरी नंबर्स। ठीक है, तो ये कुछ भी नंबर अगर आप उसको फ्रैक्शन में लीजिए, कुछ भी लीजिए, ठीक है, तो ये सारे नंबर सबके रियल नंबर होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू योर क्लास, अकॉर्डिंग टू योर 10th क्लास, आप क्या बोल सकते हैं व्हाट आर रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या हुए, जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स हुए, इन सबके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, ऑल रेशनल एंड इरेशनल, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, देखिए, ऑल रेशनल एंड इरेशनल, ठीक हो गया, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। देखिए, अब हम करेंगे धीरे धीरे इसके आगे, इसके अंदर क्या है, तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, ठीक है, आर रियल नंबर्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो सब हो चुका है, एक एक करके स्टेप बाय सब आगे बढ़ते रहेंगे और काफी मजा आएगा आपको इस क्लास में। प्लीज इस क्लास में रहिए आप लोग और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं इसमें। तो जैसे कि मैंने कहा, अब हम आप ये देखिए, अब बात आती है, देखो स्टूडेंट्स, बात आती है व्हाट इज दिस, ये तो आपको आगे समझ में क्या होते हैं रियल नंबर्स, ठीक हो गया। अब ये चीज क्या होती है, अब देखिए इनको मैं थोड़े बहुत आपको ब्रीफ करता हूँ, फिर ये और अच्छे से आपको समझ में आएंगे। कहाँ पर ये अच्छे से आपको समझ में आएंगे, जब मैं आपको डेसिमल्स बताऊंगा, जब मैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल बताऊंगा, जब मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बताऊंगा, तब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो अभी आपसे कोई पूछे तो व्हाट आर रेशनल नंबर्स, सो यहाँ पर देख लीजिए, तो रेशनल नंबर क्या हुए, रेशनल नंबर्स। सो व्हाट अबाउट, व्हाट कैन यू से अबाउट रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर एनी नंबर विच आर एक्सप्रेस्ड, ठीक है, विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये देखिए, ये चीज आपने काफी सुनी है और ये काफी चीज, ये ऐसी चीज होती है जो सबको रट जाती है, तो ठीक है, तो हम रटेंगे भी इसको और साथ साथ समझेंगे कि भी क्या होता है। तो देखिए, अ नंबर इस तरह लिख सकते हैं, विच अ नंबर्स विच आर एक्सप्रेस्ड, मतलब उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट, इट्स योर विच, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, देखिए काफी अच्छी चीज है, क्या, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, पी अपॉन क्यू, पढ़ा है आपने कहीं पी अपॉन क्यू, देखिए पी अपॉन क्यू कह दिया मैंने। अब ध्यान सुनिए, ये पी अपॉन क्यू, इसमें ध्यान सुनिए, यहां पर पी अपॉन क्यू क्या होगा, यहां पर लिख सकते हैं आप, वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स। अब यार देखिए, वही बात आ गई, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स स्टार्ट फ्रॉम कहां से, कुछ भी बेटा, -1, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, दे आर इंटीजर्स। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स हो गया, ठीक हो गया, पता कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स। ध्यान से एक चीज और मैं आपको बताऊंगा यहां पर, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक चीज और लिखेंगे, क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं हो सकता, ठीक हो गया।
क्यू हमारे जीरो के बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब क्यू क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। सो क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता तो क्यू जीरो से बड़ा होगा। और एक कंडीशन रहती है इस फॉर्म को रहने के लिए, एक कंडीशन रहती है, यहां पर मैं लिख सकता हूं अलग से, देखिए कंडीशन क्या होती है इसकी, कि वेयर, एक चीज और यहां पर लिख सकता हूं, देखिए मैं हाईलाइट करता हूं अच्छे से, वेयर पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम। देखिए एक मजेदार चीज और आ गई, अब भाई एक टॉपिक और आ चुका है आपके पास, को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है, को प्राइम के पीछे जाना पड़ेगा, चले जाते हैं। देखिए को प्राइम एक ऐसे ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को, आपने आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में जाते हैं और वन से जाते हैं, अ नंबर विच डिवाइड बाय इटसेल्फ और वन, ठीक हो गया। लाइक टू, टू इज डिवाइडेड बाय टू एंड टू इज ऑल्सो डिवाइड बाय वन, ठीक हो गया। सो ये नंबर क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर है। नाउ हेयर को प्राइम, को प्राइम मतलब नाउ हेयर दो नंबर, अब दो नंबर की बात आ गया होगी। सो दो को प्राइम नंबर्स होने, दो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब वो, अब को प्राइम होता क्या है ये आपको पता लगाना है, देखिए क्या होता है, ध्यान से सुनिए को प्राइम क्या होता है। लाइक वी हैव, चलो एक काम करते हैं, इसी को पी और क्यू को प्राइम होना है ना, को प्राइम वो होते हैं जिन नंबर्स का एचसीएफ हमेशा वन होना चाहिए, ठीक है, वन के अलावा एचसीएफ कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया, वन होना ही चाहिए, वन के अलावा कुछ और एचसीएफ आ गया तो वो नंबर आपके क्या होंगे, को प्राइम नहीं होंगे। आई मीन टू से दैट, क्या कह रहा हूं देखिए, लाइक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए यहां पर ले सकते हैं, HCF should be one होना चाहिए, ठीक हो गया। ध्यान सुनिए P और Q की बात कर रहा हूं जब मैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, यहां मैं ले लिया 2/3, इज दैट 2/3 रेशनल और इरेशनल, चलिए करके देखते हैं सारी कंडीशन फॉलो। अच्छा एक काम करिए, हम मैंने क्या कहा था इसको, मैं आपको आगे बताऊंगा डेसिमल में बताऊंगा अच्छे से कैसे रेशनल कैसे इरेशनल। सो चलिए ठीक है, अब हम 2/3 जब देख लेते हैं क्या इसका कॉमन फैक्टर बना रहा है। अच्छा एक चीज और, एच सी एफ होता है हाइस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक हो गया। तो 2/3 देखिए, यहाँ पर 2 और 2 का फैक्टर क्या होंगे, 2 × 1, 3 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 1, ऑलराइट, तो ठीक है। तो देखिए क्या 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ रहा है इसका, कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। सो यस इट मीन्स क्या है, पी और क्यू के आपके को प्राइम नंबर्स हो गए, और क्या हो गए ये दोनों, ये क्या हो गया 2/3 सॉरी रेशनल नंबर हो गए। और क्यू देखिए 0 के बराबर नहीं है, क्यों क्या है, 0 से बड़ा है। तो चलिए अब हमारा हो चुका है यहां पर क्या, तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं यहां पर 2/3 लाइक सम एनीथिंग, ये भी हो सकता है, 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 एनीथिंग, ठीक हो गया फ्रेंड्स। अब मुझे बताइए क्या मैंने सही लिखा नहीं लिखा, बताइए। टू, अब मैंने कहा P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, अब एक नंबर 2 आ गया, अब बच्चे कंफ्यूजन में, नहीं भैया कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, नंबर न्यूमरेटर में 2 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 तो रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, आई थिंक डाउट क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो कि क्या हमारे पास इरेशनल नंबर, ओके। तो देखिए अब हम आते हैं अपने इरेशनल नंबर की तरफ, तो इरेशनल नंबर देखते हैं, इरेशनल नंबर क्या होता है, सेम ऐसी चीज जिस नंबर को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते P/Q के फॉर्म में, जिस नंबर को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते P/Q के फॉर्म में, वह नंबर्स क्या होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। तो लिख लीजिए द नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहां पर P और Q सब इंटीजर्स होंगे। तो यहां पर कुछ मत लिखिए आप, इरेशनल नंबर की का ज्यादा कोई डेफिनेशन पूछते नहीं है, तो आप बस लिख लीजिए ठीक है, आप लिख लीजिए नंबर्स विच कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक हो गया। तो नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, द नंबर विच कैन नॉट बी, ठीक है इसकी कोई डेफिनेशन आपसे पूछेंगे नहीं, बट यस आपको ऊपर पता होना चाहिए
कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्यों क्या ज्यादा कुछ मत लिखिए आप लोग, एग्जाम्पल मैं आपको बताया था उसमें क्या होता है। लाइक एग्जाम्पल देखिए आपके पास क्या है, एग्जाम्पल रूट टू, आप लोगों ने रूट थ्री इस टाइप के कुछ नंबर्स देखे हैं, रूट फाइव, रूट सिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, एनीथिंग जो रूट के अंदर हो, ठीक हो गया, रूट के अंदर हो, ये नहीं कह रहा हूँ जो सिर्फ रूट के अंदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो जो रूट के अंदर हो वही बोल दिया आपने, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, ये रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव। अब ये बताऊंगा ये आगे ये क्यों है। ठीक है, अभी मैंने बता दिया ये आपके इरेशनल नंबर है। अब मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट जब मैं आपको अभी जस्ट इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ डेसिमल एक्सपेंशंस, उसमें पता लग जाएगा ये क्यों है आपके इरेशनल नंबर्स। तो ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, ये सब जितने भी होंगे, रूट सेवन, रूट रूट नाइन नहीं, क्योंकि रूट नाइन क्या होता है आपके पास, रूट नाइन आपका थ्री होता है, तो थ्री को हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, लिख लिया। क्या रूट नाइन, क्या रूट सेवन को लिख सकते थे, क्या रूट टू को लिख सकते थे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, नहीं लिख सकते थे। सो इसीलिए फ्रेंड्स देख लीजिए, तो चलिए तो अब हम करते हैं देखिए इसमें, अब हम अपने बढ़ते हैं किसकी तरफ, जो है आपका यस। सो यहाँ पर से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है डेसिमल एक्सपेंशन। सो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे, तो एक बार आप प्लीज इसको देख लीजिए अच्छे से। ओके यस, वेरी गुड। सो आप लोगों को नंबर विच आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर सम इंटीजर्स, वेयर एन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। कंडीशन क्या रहेगी, पेयर पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम होने चाहिए, इट मीन्स एचसीएफ शुड बी वन। एग्जाम्पल आई हैव गिवन ऑलरेडी, ये हो गया आपका, ठीक हो गया। नाउ कम टू द पॉइंट, ओके वेरी गुड। तो चलिए अब सब रफ करते हैं, अब अच्छे से आपको समझाते हैं। आई थिंक कुछ नहीं रह चुका है, अब सब कुछ हो चुका है इसमें, ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज जो हमारे पास क्या है, डेसिमल्स एक्सपेंशंस। चलिए डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं अब क्या है फटाफट। चलिए नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द डेसिमल एक्सपेंशंस। यहां पर रियल नंबर के अंदर ही कोई टॉपिक है हमारा, डेसिमल ई एक्स पी एन एस आई ओ। तो देखिए फ्रेंड्स डेसिमल एक्सपेंशन है, एक काम करते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं, इसमें काफी कुछ हम बताने वाला हूँ। इस तरीके के एक चार्ट में मैं आपको समझा देता हूँ जिससे कि ठीक है भैया जल्दी जल्दी हो सके, ठीक हो क्या, हो सके तो जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है, पर होगा जरूर। ठीक है, तो ये देखिए अब यह है, देखिए अब ध्यान सुनिए, यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग। पता है ना आपको डेसिमल्स क्या होते हैं, डेसिमल्स आप लोगों ने देखे 0.2, 0.3, 3.4, 1.2, ये तो होते हैं डेसिमल्स, जिसमें पॉइंट होता है तो वही डेसिमल होते हैं, ठीक हो गया। सो ये हम देखेंगे अभी, तो चलिए तो सबसे पहले हम करते हैं इसमें, इतना बड़ा नहीं बनाते हैं, खाली ये लीजिए अच्छे अच्छे एरो से हम बनाते हैं इसको बढ़िया से। चलिए सो पहला हमारे को यहाँ पर देखिए क्या लिखता हूँ, यहाँ पर ये आपके पास देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कह सकते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, एंड दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग शॉर्ट में लिखते हैं डेसिमल एंड शॉर्ट में लिख देते हैं एक्सपेंशन, ठीक हो गया एक्सपेंशन, एवरीथिंग इन शॉर्ट फॉर्म, पता लग जाएगा टर्मिनेटिंग है, डेसिमल भी है, एक्सपेंशन है, सब कुछ है, मैं बोल तो रहा हूँ ना साथ साथ तो आपको समझ में आ रहा हो। सो देखिए फ्रेंड्स अब हम करते हैं व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अब हम बढ़ते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की तरफ। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बोर्ड आप लोगों का सब क्लियर है या नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर, एक मिनट, ओके तो चलिए तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वर्ड में ही सब कुछ छुपा रहता है, ठीक हो गया। तो मैंने जैसा कहा अभी आपको कि वर्ड में ही सब कुछ छुपा रहता है,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेट? देखिए टर्मिनेट मतलब यार क्या आपने अपना काम टर्मिनेट कर दिया, क्या आपने वो टर्मिनेट कर दिया मतलब समाप्त, मतलब खत्म, खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। आप लोग डिक्शनरी करिए, टर्मिनेट का मतलब समाप्त, खत्म। सो यस, टर्मिनेट कर दो। तो ध्यान से सुनना, ऐसा डेसिमल जो टर्मिनेट हो गया, इट मीन टू से लाइक, मीन टू से एक ऐसा फ्रैक्शन आपके पास, ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसा फ्रैक्शन होना चाहिए। मैं बता समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनिए। जिसको ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड करें अगर, तो उसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाए, ठीक है ना। किसी नंबर को देख, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक शर्त लिखता हूँ उसमें कि रिमाइंडर शुड बी जीरो, रिमाइंडर जीरो जाना चाहिए। वही नंबर्स क्या होंगे आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के लिए एक्सपेंसिव। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे वो, ठीक है, नंबर्स नहीं। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे कौन, जिनका रिमाइंडर जीरो रहेगा। कैसे, एग्जाम्पल ऐसे, एग्जाम्पल लाइक वी हैव सॉरी वी हैव एग्जाम्पल 1/4। अब ध्यान से सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इज इट रेशनल और नॉट, यस इज इट रेशनल नंबर, क्यों, वन और फोर के यहाँ के दोनों को प्राइम है, क्योंकि दोनों के पास सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है जो क्या है वन। सो यस, अब हम इसको देखिए डिवाइड कर दें, अगर यहां पर मैंने इसको डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, जीरो पड़ा है, 4 2 8, ठीक हो गया, पॉइंट पर जीरो अपना पड़ता है, 4 5 20। सो इट विल टर्मिनेट, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया और टर्मिनेट हो गया। देखिए मतलब पॉइंट के बाद दो डेसिमल प्लेस बाद ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, दो डेसिमल प्लेस बाद ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। सो ये यहीं पर ये मैं यही बताना चाह रहा था। सो वन बाय फोर आपके क्या हो गया, 0.25, इट मीन इट विल टर्मिनेट। सो ये किस टाइप के नंबर हो गए, अगर आपके पास एग्जाम आ गया तो वट इज 0.25, वट टाइप ऑफ डेसिमल इज 0.25 नहीं भी बोलेगा तो सीधे 1/4 कर देगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, पता लग जाएगा कैसा है, टर्मिनेटिंग है। रिमाइंडर अगर जीरो आता है सो टर्मिनेटिंग, हैंस इट इज टर्मिनेटिंग। सो ये आपको पता चल गया है, तो 0.25 आ गया इसका, तो ये क्या होगा आपके पास, टर्मिनेटिंग हो गया है। साथ साथ क्या है, रेशनल नंबर भी है। अब ध्यान से सुनिए एक चीज, इसमें आप एग्जाम्पल अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, मतलब कुछ मत लीजिए, कुछ एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताने वाला हूँ और कुछ, यस अभी हमारी जो एक्सरसाइज चलेगी, एक्सरसाइज में मैं देख रहा था एनसीईआरटी की 1.4 एक्सरसाइज जो होने वाली है, इतना अच्छे से वहाँ पर से क्लियर होगा आपको, आपको कि आप, अभी मैं नहीं बताऊँगा आपको, आप बिना देखे ही बता, बिना ज़्यादा सॉल्व करे ही बता देंगे। अभी तो छोटा नंबर है 1.4, ठीक हो गया, बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे नीचे, तो यस, तो बिना सॉल्व किए, विदाउट डिविजन, विदाउट डिवाइड हम क्या करेंगे, आपका पता लगा देंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक हो गया। तो चलिए अब करते हैं नॉन टर्मिनेट, अब जो टर्मिनेट नहीं हो सकता, ठीक हो गया, बात आगे जो टर्मिनेट नहीं हो सकता, इसके अंदर ध्यान से सुन लीजिए दो चीज आती है। तो पहले मैं एक, चलो पहले मैं एग्जांपल ही देता हूँ, नहीं एक काम करते हैं, इसके अंदर टू पार्ट्स ले लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये मैंने टू पार्ट्स ले लिए इस तरीके से, ठीक हो गया। यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब ये रिकरिंग क्या, कहां से आ गया यार, ये तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा रिकरिंग कहां से आ गया ना। सो देखिए अभी करते हैं, और यहां होता है नॉन रिकरिंग, ठीक हो गया। यहां तो बात आ गई कि रिमाइंडर जीरो आ गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो चुका है। एक बार टाइम कितना हो गया आप लोगों का, कोई बात नहीं, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है हमारे पास, चलते रहेंगे, बस थोड़ा बोर्ड आपका आगे पीछे हो जा रहा है, उसको मैनेज कर लेते हैं। चलिए अब देखिए क्या कहा था मैंने, अब यहां से एक चीज आती है आपके पास, यहां से सुनिए, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग का मतलब, देखिए रिकरिंग या फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, आप इसमें कन्फ्यूजन मत होना, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इसका मतलब आपका रिपीटिंग भी होता है, ठीक हो गया, रिपीटिंग कह दीजिए, इसका मतलब क्या होता है, या तो रिकरिंग कहिए या रिपीटिंग, आई थिंक रिपीटिंग अच्छा लगेगा, ध्यान से पता लग जा रहा है।
देखिए क्या कोई ऐसे नंबर हो सकते हैं जो पॉइंट के बाद रिपीट हो सकते हैं? यस, देखिए पॉइंट के बाद रिपीट और नॉन टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट कभी नहीं होंगे, मतलब रिमाइंडर नेवर कम्स जीरो, तो नेवर रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा, ना इसमें ना इसमें, तो यहाँ पर मिलता हूँ रिमाइंडर आपका कभी जीरो नहीं हो सकता जीरो के बराबर, ठीक है, रिमाइंडर इज नेवर इक्वल टू जीरो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ इसी चीज से, इसी के अंदर लिखता हूँ, तो रिमाइंडर इज नॉट, एक काम करते हैं इतना क्लिक ना होगा ऐसे देते हैं, जीरो नहीं होगा, ठीक हो गया, तो जीरो नहीं होगा तो होगा क्या, अब बात आती है होगा क्या, ठीक है, तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ अच्छे से, मुझे लगता है जहाँ तक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। देखिए कुछ एग्जांपल मैंने आपके लिए रखे हैं लाइक दिस, लाइक वी हैव 1/3, ट्राई टू सॉल्व, नहीं ट्राई टू सॉल्व नहीं, ट्राई नहीं करिए इसको सॉल्व करिए, लाइक देखिए यहाँ पर एग्जांपल ले लिया मैंने, अगर मैं इसको सॉल्व करने में बैठ जाऊँ, पॉइंट लगाया 0, 3, 3 जा 9, 10 से 9 गया 1, 3, 3 जा 9, 10 से 9 गया 1, 3, 3 जा 9, 10 से 9 गया 1, सो इट विल रिपीट, इट विल नेवर टर्मिनेट, ये रिपीट हो रहा है, देखिए मैंने मैंने अपने मुझसे क्या बोल दिया यार, ये तो रिपीट हो रहा है और ना टर्मिनेट हो रहा है, ठीक हो गया, सो इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है नंबर, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, आप लोगों को पता चल गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जो आफ्टर डेसिमल से हो रिपीट होते जाएं, जिनका रिमाइंडर कभी जीरो ना हो, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं हो रहा है यहाँ पर, और क्या है रिपीटिंग है, ठीक हो गया, इसका मतलब एक चीज और यहाँ पर से क्या हो चुका है, देखिए इसको हम ध्यान, इसका मतलब ये क्या आ रहा है 0.3333 ऐसे चलते रहेगा कभी खत्म ही नहीं होगा, एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ लाइक यू हैव स्टडी ऑल्सो स्टडीड दिस 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब दिस थ्री इज रिपीटिंग एवरी टाइम, ओके आप लोग देखिए जहां पर एग्जाम्पल में आप लोग क्या और क्या ले सकते हैं, इतना आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल में, ठीक हो गया, तो 1/3 तो हो चुका है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इसका कितना आएगा, आप एग्जाम्पल एक और लिख सकते हैं जो कि आपका 1/9, इसको भी आप सॉल्व करेंगे 0.1111 समथिंग आएगा, अब ध्यान से सुनिए एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, इसको आप कर लीजिए अभी फिलहाल, इसको देख लीजिए, ठीक हो गया, चलिए तो ये हो गया आपका यहाँ से इतना से। अब हम करते हैं यहाँ पर क्या, देखिए कुछ नंबर जैसे मैं आपको लिख लेता हूँ यहाँ पर लाइक दिस नंबर, इस तरीके का ये, इस तरीके से कुछ ये, सो ये नंबर्स क्या होंगे, ये भी आपके क्या है आपके नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ध्यान से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मतलब ये कैसे है, देखो 0.4343 So on to, और ये कैसा है देखिए 0.3535 and 35, वेरी गुड, हो चुका है ऑब्वियसली हो चुका है, तो ठीक है, तो 0.3535 ये भी हो चुका है, और देखिए ये नंबर भी रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग, तो ये नंबर भी क्या है आपके पास ध्यान सुनिए ये नंबर क्या है आपके पास रेशनल नंबर है, ये नंबर भी अभी क्यों है ये भी बताऊंगा, क्यों है रेशनल नंबर, देखिए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में तो है ना, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, जी हाँ पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, इसलिए ये भी क्या आपके पास रेशनल नंबर, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि रेशनल कौन कौन से रेशनल होते हैं और कौन कौन से इरेशनल्स होते हैं, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अब बताइए क्या कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो ना टर्मिनेट हो रहा हो ना रिपीट हो रहा हो, एग्जाम्पल मैंने शुरू में दे रखा था क्या रूट टू को एक बार सॉल्व कर लीजिए, आप लोग अलग से अपने कॉपी में ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर आपको करा देता हूँ इन डिटेल, आपको रूट टू करा देता हूँ यहाँ पर से, तो क्लास ज़्यादा लंबी चली जाएगी नहीं तो, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रूट टू, ध्यान सुनिएगा क्या रूट टू एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, ध्यान सुनिए एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके, क्या लेते हैं एग्जाम्पल रूट टू का एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर हम, रूट टू रूट थ्री का ले लेते हैं, चलो रूट थ्री का ले लेते हैं, तो रूट थ्री का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पता लग जाएगा, देखो ये कैसा नंबर आएगा पता आपको, बस ना तो टर्मिनेट होगा
और ना रिपीट होगा, अलग अलग नंबर आते रहेंगे हर बार। लाइक दिस देखिए, लाइक आपको पता है कितना आता है इसका आंसर, 1.732 ऐसे चलते रहता है। तो देखिए ये आप लोग प्लीज करिएगा, रूट थ्री को निकालना, रूट थ्री कैसे निकालते हैं आपको पता है, इस तरीके से देखिए 1 1 जा 1, ठीक हो गया, ये थोड़ा लेंथी जाएगा, ये हो गया 3 1 1 जा 1 सॉरी 1 1 जा 1 1 प्लस 1 2, ये आपने पढ़ा हो तो आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला। 3 माइनस 1 2 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं इसमें हम, ये कितना हो गया 1 1 जा 1 1 जा 1, 3 माइनस 1 2, ठीक हो गया। अब पॉइंट लगाएंगे, 2 0 पड़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे, देखिए 27 7 जा कितना होगा, देखिए 7 7 49 9 4 7 14 189, ठीक हो गया। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, इस 27 में इस 7 ही ऐड करते हैं तो कितना हो गया 7 7 7, आपका कितना हो गया 34 हो गया यहाँ पर से, ठीक है। तो ये 3 4 आ गया, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 9 10 से 9 गया 1, एकदम से गया 1, देन पॉइंट लगा है तो 2 0, अब 2 0 फिर से पड़ जाएंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर में 2 रूट फिर से पड़ जाते हैं, तो 3 4, अब आप करिए 3 4 3 3 जा, ठीक है। तो इस तरह से आप जाएंगे आगे, देखें तो 3 4 3 3 जा कितना होता है आपके पास, 3 3 जा 9 3 4 12 10 1 0 2 9, तो देखिए 10 से 9 गया 1 9 8 7, ठीक है। अब देखिए फिर से इस 3 3 जो लास्ट नंबर होता है ना उसमें उतना ही ऐड कर देते हैं, ये अच्छे से कभी बता देंगे आपको, 3 4 6, अगेन पॉइंट लगाया तो 2 0 फिर से बढ़ा दिया, अब 3 4 6 1.73 something 2, अब 2 बार जाएगा, सो 2 बार आप इसको देखिए तो लगभग से थोड़ा कम आएगा और यहाँ पर वैल्यू जाएगी कुछ। तो देखिए 1.732 जैसे कि मैंने आपको बताया, तो क्या आगे देखिए 1.732 टर्मिनेट, तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, देखिए क्या रिमाइंडर आ रहा है 0 नहीं आ रहा, ठीक हो गया। क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, और क्या टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट भी नहीं हुआ, नहीं हाँ टर्मिनेटिंग भी नहीं है, क्यों देखिए हर बार अलग नंबर और ना ही रिपीट हो रहा है, 7 3 2 फिर कुछ और आएगा ऐसे करते करते आगे, ठीक हो गया। तो आप लोग देख लेना उसको। सो देखिए फ्रेंड्स इतना ही था, ये थी आज की क्लास। इसमें एक चीज मैं लास्ट चीज आपको बताने वाला हूँ, इतनी मजेदार चीज है, आप लोग कभी मतलब वो डाउट आपके लाइफ में शायद मैथ्स जब पढ़ते होंगे तो हमेशा रहता होगा, तो 9th क्लास के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी और 10th के लिए भी तो ज्यादा रहे। खैर तो देखिए यहाँ पर से मैं क्या बताने वाला था, इस सबको रफ करते हैं, इस सबको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार नाउ, उसके बाद हम करते हैं अपना आगे। तो चलिए अब देखिए मैं क्या कह रहा था, यस देख लिया सब आप लोगों ने, ओके। यहां पर एक नोटेड पॉइंट लिख लेता हूं मैं आप लोगों के लिए, एक नोट लिख देता हूं, प्लीज आप लोग उसको लिख लीजिए कहीं अपनी कॉपी में या कहीं भी, ठीक हो गया। तो मैं इसको कहां पर लिखने वाला हूं, ऊपर, ठीक है, मैं ऊपर लिखने वाला हूं एक चीज, ध्यान सुनिए, कभी कंफ्यूज मत होना डेसिमल एक्सपेंशन में कि कौन से रेशनल होते हैं कौन से इरेशनल होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं ध्यान सुनो। यहां पर मैं एक चीज लिखता हूं, ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर ऑलवेज क्या इरेशनल नंबर, बस हो गया, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इरेशनल, बस ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज, अब इसके अलावा कुछ भी आपसे पूछ ले, टर्मिनेटिंग टर्म देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है आपके रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या आपके रेशनल नंबर, सिर्फ दिस वन इज क्या इरेशनल नंबर, ओनली इरेशनल
सिर्फ इरेशनल है, इरेशनल नंबर है आपके, ठीक हो गया। ये आपका क्या है, सिर्फ ओनली क्या है, ठीक है। तो यही है बस इरेशनल नंबर, ये इरेशनल, ये इरेशनल, और ये दोनों क्या है आपके पास, ये दोनों क्या है आपके पास, ये दोनों, ये दोनों नंबर्स क्या है आपके पास, दोनों डेसिमल्स क्या है आपके पास, रेशनल नंबर्स। बस हो गया, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक हो गया। समझ में आ गया आपके पास, जो रिपीट होते जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट होते जाएगा रेशनल, जो वैसे पहले टर्मिनेट हो जाएगा वो भी रेशनल, बट खाली ये वाला बस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, जो मैंने ऊपर लिख लिया। सो ठीक है हमारे फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है हमारी, तो ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस क्लास को प्लीज़ शेयर कीजिए, काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है आपकी, इसको प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज 1.1 लेकर आएंगे, तो तब तक ले फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।